शराब घोटाले में इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक को ईडी का समन, केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को भी समन। ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले से जुड़ी हुई आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन किया है और केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को भी समन किया गया है। तो ये दो और चेहरे इस मामले में जिनसे अब ईडी पूछताछ करना चाहती है। दोनों ही लोगों को समन किया गया है, जिसमें केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार का भी नाम है और आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक का भी नाम है। दोनों को समन भेजा गया है और ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। और विभव कुमार से इस वक्त पूछताछ चल रही है, जो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। तो आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, आज 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। सीएम केजरीवाल के निजी सचिव को भी ईडी ने समन भेजा है, जारी किया है। सीएम के निजी सचिव से इस वक्त पूछताछ जारी है विभव कुमार से ईडी मुख्यालय में, इस पूरे मामले को लेकर, शराब घोटाले में को लेकर पूछताछ हो रही है। बलराम पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, मुख्यमंत्री पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनके निजी सचिव को भी समन भेजकर पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सचिव हैं विभव कुमार, उनसे पूछताछ कर रही है और साथ ही जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दुर्गेश पाठक, उन्हें भी समन जारी करके 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो ईडी का शिकंजा है वो लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, अब उनके निजी सचिव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दुर्गेश पाठक, उन्हें भी समन जारी करके 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले जो दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उन्हें भी समन जारी करके ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और कई से उनसे पूछताछ की थी। हालांकि जिस तरीके से ईडी कड़िया जोड़ने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से गिरफ्तारी का सिलसिला ईडी का आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के कई नेता, विधायक और मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी कि ईडी का जांच का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन उसके बावजूद दुर्गेश पाठक को ईडी का समन और उनके निजी सचिव से इस वक्त पूछताछ हो रही है। बलराम, बने रहिए आप हमारे साथ। और इससे पहले आतिशी ने दुर्गेश पाठक को लेकर एक बयान दिया था, क्या कहा था सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय तो आपने आतिशी की बात को सुना, आतिशी ने पहले 4 नाम लिए थे और उसमें एक नाम दुर्गेश पाठक का भी था, अपने और सौरभ भारद्वाज के अलावा। बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता कुछ नाम को चिन्हित करके बताते रहे कि इन पर शिकंजा कस सकता है, इसके पीछे के क्या मायने हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि जो दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने प्रेसवार्ता करके कहा था कि उनके बेहद करीबी और बेहद क्लोज व्यक्ति ने उनसे बताया कि उन्हें ईडी गिरफ्तार करने वाली है, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अगर वो बीजेपी का अप्रोच एक्सेप्ट नहीं करती हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें ही नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को भी ईडी गिरफ्तार करेगी, ये जानकारी उन्होंने मीडिया के सामने रखी थी। हालांकि जिस तरीके से अब ईडी का समन आ रहा है, जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि आतिशी ने जो कहा था वो कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए, दुर्गेश पाठक को समन जारी किया गया और उसके बाद आप देखिए विभव कुमार से भी पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, तो विभव कुमार से पूछताछ इस वक्त जारी है और दुर्गेश पाठक को भी ईडी का समन मिला है। बलराम, आप हमारे साथ बने रहिए।